हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका डेलीवर्स में। आशा करूँ चल बढ़िया होंगे। मैं फिर एक नई और रिटर्न हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख लिया है। तो ये वाला जो कलर आया है वो एक अच्छा कलर देने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि जिक्सर में जिक्सर 155 की जो सीरीज चल रही है अपने चैनल पर, तो पहले हमने ब्लैक कलर की रिव्यू की थी, अब बात कर रहे हैं ऑरेंज और वाइट में। इसका जो कॉम्बिनेशन दिया गया है सिल्वर में, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लग रहा है। और ये वाला भी ब्लू कलर भी पहले से चला हुआ आ रहा है, लेकिन इसमें टेक्स्चर थोड़ा सा अलग हट के दिया गया है। इसका जो ग्राफिक्स इस इन दोनों में चेंज किया गया है, ये पूरा कलर ही चेंज कर दिया गया है। तो ये स्कीम काफ़ी आपको अच्छा लगने वाला है। इसमें क्या कुछ चेंजेस देखने मिल जाने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मैं त्रिवेदी सुजुकी, जो कि अपने गुजरात के वापी में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर देखते हो, सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आपको सिल्वर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में जब आप अच्छे से एकदम अट्रैक्टिव हो जाएंगे, इसको कैमरा भी जज नहीं कर पा रहा। सबसे पहले बात करें तो फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको विंड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि छोटा सा ही है। इसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है आप भी ज़रूर बताना। और बाकी आज इसका रिव्यू ही कर रहे हैं, तो बाकी इसका बहुत जल्द निगेटिव, मतलब क्यों ही लेना चाहिए इसको और क्यों लेना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और बाकी कैसा लग रहा है ये देख लो, लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो तो लेफ्ट साइड से कुछ इस प्रकार का लुक करती है। और अगर आप रियर से देख लेते हो एक बार, तो रियर में कुछ इस प्रकार का जो दिया गया है ऑरेंज कलर का, तो ये काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। और बाकी राइट साइड से देखते हो आप, तो राइट साइड में भी कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ टेक्सचर से। तो सबसे पहले अपने को देखने मिल जाती है जिक्सर की यहाँ पे ब्रांडिंग, जो कि GIXER में, मतलब ये काफ़ी अच्छा SF150 स्पोर्ट्स मॉडल है। तो ये इसमें आपको देखने मिल जाता है ग्राफिक, जो कि ये पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो और बाकी यहाँ पर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पर टैंक की बात करें तो टैंक में आपको सिल्वर और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हद तक अच्छा लगता है। और जब लेकर के इसको एक बार भी निकलते हैं तो भाई आपको मतलब मुड़ मुड़ के देखने वाली बाइक बन सकती है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रिप दिया गया है इसके एलॉय व्हील्स पे, तो ये काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं तो LED में आपको शार्पनेस देखने को मिल जाती है, पहले भी आते थे। और इसके विजन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप रोड पर, इंडियन रोड्स पर लेकर निकलते हैं तो हाईवे पे, और आपको नाइट में काफ़ी अच्छा मतलब प्रदर्शन ही रहेगा। इसी के साथ में आ जाते हैं यहाँ पे, तो इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है बल्ब में, जो कि अभी LED में देना चाहिए था कंपनी को, लेकिन इसने नहीं दिया, तो अब इसको क्या बोल सकते हैं। बाकी आप अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये देख लो काफ़ी अच्छा स्वाइप अप मारता हुआ नज़र आएगा आपको। कॉल, नेविगेशन, मैसेज का आपको सारा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे गो लिखता हुआ आएगा। इसी के साथ में टाइम पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फ्यूल रेंज बताएगा, यहाँ पे आई बटन दिया गया है, मतलब कि अगर आपका कोई कॉल, SMS या फिर मैसेज आएगा तो ये आपको नज़र आएगा इस पर। इसी के साथ में न्यूट्रल की लाइट यहाँ पर देखने मिल जाती है, ABS की लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं ट्रिप को, तो एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ मैं वापस, तो आपको पता चलेगा फिर से। तो ये देख लो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर शो करेगा, और किसका मैसेज आ रहा है, कॉल नेविगेशन, और पूरा मतलब आपको कहाँ जाना है वो सब के बारे में भी बताएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर सभी दिया गया है ब्लूटूथ में। अभी सुजुकी में बहुत से लोग इंतजार भी कर रहे थे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब लोग दे रहे हैं, तो सब इसे भी देना चाहिए, तो भाई फाइनली दे दिया है इसने। और अपडेट की बात करें तो अपडेट के नाम पे सिर्फ ये दो बदलाव किए गए हैं, ग्राफिक्स को लेकर के और कलर्स को लेकर के। ये कलर जो आप देख रहे हैं, इस कलर को कहते हैं मेटालिक सोनिक सिल्वर, और पर्ल ऑरेंज करके इसका जो नाम है। और बाकी जो रेड कलर था वो पहले का वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो इसके लिए उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो बाकी बहुत से लोग को वो वाला पसंद भी आ रहा था और बहुत से लोगों को नहीं भी आ रहा था, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि भाई वो ज़्यादा कलर चल नहीं रहा था इसके वजह से। तो बाकी कैसा लग रहा है आप ये वाला अपडेट जरूर बताना। और बाकी इसकी प्राइस की बात करें तो ये अपडेट आने से 9000 बढ़ चुका है। अगर पहले की बात करें तो पहले से मतलब जो अपनी प्राइस थी 1,61,000 थी ऑन रोड, वापी की गुजरात की बात कर रहा हूँ। और बाकी अभी की बात करूँ तो 1,70,000 मतलब 1,70,000 हो चुकी है, ये गुजरात के वापी की है। अगर आपको अपने स्टेट की जाननी है तो आप मुझे कमेंट करना, आपके स्टेट के बारे में मैं जरूर बताऊंगा, बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ में ग्राफिक्स का तो हमने बात कर लिया, यहाँ पे भी सुजुकी का ब्रांडिंग देखने मिल जाता है, तो ये काफ़ी कूल सा लगता है थोड़ा सा। और बाकी सीट की कम्फर्टनेस ठीक है, लेकिन थोड़ा और सॉफ्ट हो सकती थी प्रिलियन की, बाकी राइडर की तो हार्ड है, दोनों की मतलब कह सकते हैं। और LED में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे
तो ये भी काफ़ी अच्छा है और इसका विजन भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ मैं एक जोश नोट भी लास्ट में आपको सुनाऊंगा। उसके पहले यहाँ पे बात कर लेते हो तो यहाँ पे 140 रेडियल 17 के ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाते हैं। ये रेडियल टायर्स है और रेडियल टायर्स यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग करने में काफ़ी अच्छा और मतलब मददगार साबित हो सकती है। इसी के साथ में रियर टायर की बात कर लिए, हमने फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पे 180-17 के ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाते हैं। और बाकी इसकी डिस्पेड की बात करें तो डिस्पेड भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा ही रहता है जिक्सर का। तो बाकी कैसा लग रहा है ये वाला कलर, और अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी ले सकते हैं। यहाँ पे त्रिवेदी सुजुकी का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जाके विजिट करना। तो बाकी और स्पेक्स की बात करें तो स्पेक्स आपको स्क्रीन पर लिस्टेड हो रहे हैं, तो एक बार पढ़ सकते हो आप अगर आपको मतलब चाहिए इसके बारे में जानकारी। बाकी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये बाइक आती है और काफ़ी अच्छे अच्छे सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं अगर आप देखते हैं तो। और इसमें आपको डबल स्टैंड वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जबकि R15 में नहीं आता है। और बाकी R15 सीरीज़ में जाने से पहले अगर आप जा रहे हो तो इसको भी एक बार टेस्ट राइड ले लो, आपको पता चल जाएगा क्यों ये लेनी चाहिए। और बाकी बहुत जल्द इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी आने वाले हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाला वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय राइडरशिप, स्टे ट्यून, जय हिंद जय भारत।